अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग फैमिलियर हैं ओरिजिन। अब होता कुछ यूं है कि ये जो हमारे पास जो ओरिजिन है, ये पॉइंट के जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम इस ओरिजिन को मूव करवाएं, ट्रांसलेट करवाएं, ठीक है, कितने पॉइंट्स ट्रांसलेट करवाएं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने वैल्यूज करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम x एक्सिस पे 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर फॉर इंस्टेंस के एक्स एक्सिस पे हम 3 पॉइंट्स मूव करवाएं और वाई एक्सिस पे हम फॉर इंस्टेंस 5 पॉइंट्स मूव करवाएं, तो ये नया पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज 3 एंड 5, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स और वाई एक्सिस के 5 पॉइंट्स, ठीक है, ये नया हमारे पास जो है ये पॉइंट पी है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करवा दें, ठीक है, इस ओरिजिन को मूव करवा दें इस नए कि जो ओरिजिन हो था, इसको अगर हम मूव करवा दें, इसको अगर हम ट्रांसलेट करवा दें इस नए पॉइंट पे, ठीक है, अब ये नया ओरिजिन हमारे पास बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं ओ बार का। ओ बार इस केस में हमने लिया हुआ है 3 एंड 5। इट मींस जनरली ओ बार को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज से और के से। व्हाट डज इट मीन? द वैल्यू ऑफ एज ओवर हियर इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ के ओवर हियर इज 5। एज की 3 वैल्यू है, के की 5 वैल्यू है। इन जनरल हमने ओरिजिन को एज पॉइंट एक्स एक्सिस पे मूव करवाया है, के पॉइंट वाई एक्सिस पे मूव करवाया है। एज और के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जो ओ बार ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एज एंड के। जो हमारा पुराना ओरिजिन था ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 0। जो नया ओरिजिन है दैट इज ओ बार, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एज एंड के। एज और के आप पे डिपेंड करवाता है करता है कि आप जो है वो क्या पॉइंट्स लेते हैं, ये जो कि क्या वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। अब ये जो नया कोऑर्डिनेट, अब ये नया ओरिजिन है, लेकिन ये जो नया ओरिजिन है, ये जो एक्सिस बनेगा इस ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, ये एक्सिस है, इसको हम नाम देंगे कैपिटल एक्स का एक्स एक्सिस। इसका जो एक्स एक्सिस है इट इज नेम्ड एज कैपिटल एक्स। पुराना ओरिजिन इट वाज स्मॉल एक्स। न्यू वाई इट विल बी नेम्ड एज कैपिटल वाई। कैपिटल वाई जो ये कोऑर्डिनेट है, जो ये एक्सिस है, इसको हम नाम देंगे कैपिटल वाई का। जो पुराना वाई एक्सिस था उसको हमने नाम दिया होता स्मॉल वाई का। अब आपके पास कोई भी पॉइंट, फॉर इंस्टेंस की हमने इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस ये पॉइंट फॉर इंस्टेंस की ये हमारे पास पी है। अब इस पी की जो वैल्यू होगी वो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखें तो पुराने में इसकी वैल्यू फॉर इंस्टेंस के एक्स की कौन सी वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनेगी कोई, आई थिंक अगर ये 5 है तो इट विल बी 6। और अगर आप पुराने वाई एक्सिस को देखेंगे तो इसकी वैल्यू शायद बनेगी, वाई एक्सिस से जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू शायद 6 बनेगी, ठीक है, एक्स भी 6 होगा वाई भी 6 होगा। लेकिन अगर आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, फॉर इंस्टेंस ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या होता है। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक्स की वैल्यू भी इसकी 2 बन रही है और वाई की वैल्यू भी 2 बन रही है, ठीक है, यानी कि जो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इसकी वैल्यू कुछ और बन रही होगी और जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट कुछ और होगा। तो अगर आप इसको पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो इट विल बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से इट विल बी पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, अगर आप इसको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब बेटे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसको हम पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी देख सकते हैं और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी हिसाब से देख सकते हैं। कोई पॉइंट पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम ने दिया हो तो कहा जा सकता है कि इसको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताएं कि ये पॉइंट क्या बनेगा, कि अगर ट्रांसलेशन जो है वो हम कितनी कर लें तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पॉइंट क्या होगा। और कभी आपको कहा जाएगा कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट गिवन है, अब आप इसको कन्वर्ट कर लें पुराने कोऑर्डिनेट। अब
इसमें होता क्या है कि जो कन्वर्जन है, कैपिटल एक्स मीन्स द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस ए, जो पुराने कोऑर्डिनेट का, जो पुराने पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें से एच को, एच जितनी ट्रांसलेशन की है उसको माइनस कर देंगे, और कैपिटल वाई, नया वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पुराने वाई कोऑर्डिनेट में से जितनी ट्रांसलेशन हमने की है उसको माइनस कर देंगे, पुराने वाई कोऑर्डिनेट में से जितनी ट्रांसलेशन हमने की है उसको माइनस कर देंगे। सो दीज आर द फॉर्मूला जिसकी मदद से आप किसी भी पॉइंट को शिफ्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी तरीके से अब अगर फॉर इंस्टेंस कि आपको पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो तो व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड एच इन द न्यू कोऑर्डिनेट, इन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वाई के लिए भी इट विल बी कैपिटल वाई प्लस ए। तो अब आपको अगर जो है वो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट गिवन हो, आपको पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता करना हो या पुराने में मालूम हो नए में पता करना हो तो कोई इशू नहीं रहेगा। Now we attempt a question. Two points P and O bar are given in the XY coordinate system. Find the capital XY coordinate of P referred to the translated axis O bar X and O bar Y. Two points हमें given हैं. एक point जो हमें given है that is P. P क्या है मैं आपको explain कर देती हूँ. P is the point कि जिसकी बात हो रही है कि जिसको पुराने coordinate system में discuss करने और जिसको नए coordinate system में. The other thing given is O bar. What is O bar? O bar is the new axis, sorry, new origin. Okay, rotation के बाद, translation के बाद, पहला जो पुराना origin होता है, उसके coordinates क्या होते हैं? उसके coordinates होते हैं 0, 0, जो पुराना origin होता है. जब हमने translation कर ली, तो उसके बाद जो नया origin बन गया, the coordinates of the new origin are -4, -6. It means कि कितनी translation हुई है? आपने x की तरफ -4 points translation करवाई है. और y एक्सिस पर -6 पॉइंट्स ट्रांसलेशन करवाइए तो आप जो नया ओरिजिन बन गया उसको हमने O बार का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, द टू पॉइंट्स आर गिवन इन द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है, जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें पॉइंट गिवन है। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑफ P रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस, जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है उसका कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करें। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड कैपिटल एक्स वाई, नए कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से आपने पॉइंट को फाइंड करना है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये हम जरा देख लेते हैं। तो जो हमारे पास न्यू पॉइंट है, जो हमारे पास न्यू पॉइंट है, जो हमारे पास ओल्ड पॉइंट था, जो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, it was -6, -8. It means that small x was -6, small y was -8. What is h in k? What is h in k? H translation कितनी हुई है? -4. Oh sorry. K. ठीक है, translation कितनी हुई है? H and k. X axis के about और y axis के about translation कितनी हुई है? That is -4 and -6. अब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट को फाइंड कर लेना है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पता होने चाहिए। कैपिटल एक्स का क्या फॉर्मूला होता था? दैट इज एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई वाई माइनस ए। कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स -6, -4। कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई -8, -6। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -6 + 4। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -6 So the new point, so the point P in the new coordinate system referred to translated axis O bar X and O bar Y is point -2. ठीक है, तो ये हमारे पास point new coordinate system आ गया। अब हम एक और question को discuss कर लेते हैं। इसमें point जो है वो हमें new coordinate axis में given है और हमें old coordinate axis find करना है। The xy small xy coordinate axis are translated through the point O bar. Whose coordinates are given in the xy coordinate? The coordinates of the point P are given in the capital XY coordinate system. Point P के जो coordinates हैं वो capital XY coordinate system में given हैं, उनको small XY coordinate system में लेकर आना है। ठीक है, find the coordinates of P in small XY coordinate system. Point क्या given है? -5, -3, O bar -2, -6. O bar का मतलब है new origin.
what does it mean कि जो हमारे पास coordinates given है that are given in capital x capital y coordinate system it means capital x is minus y capital y is minus 3 h is minus 2 k is minus 6 and we have to find the coordinates of the point p in the small x y system ठीक है small x की value क्या होती है capital x plus h small y capital y plus k x is minus 5 plus minus 5 minus 2 so coordinates of the point p the coordinates of the point p in the older coordinate system in the older coordinate system these are the points so these are the points these are the points in the older coordinate system point p minus 7 minus 9 minus 7 minus 9 I hope that this thing will be clear to everyone कि जब हम translation करते हैं h और k की values को कैसे लेते हैं new origin क्या होता है पुराने coordinates नए coordinates और इनकी shifting कैसे करते हैं पुराने coordinates दिए हों तो नए कैसे आते हैं नए दिए हों तो पुराने कैसे आते हैं formula क्या होता है दोनों formulas को हम लोगों ने एक एक दफा apply करके देख लिया है Now we will move towards the rotation of axis. Now we will move towards the rotation of axis. Rotation क्या होती है? अभी हमने meeting जो देखा था translation कि जिसमें हम पुराने origin को translate कर देते हैं, कहीं और move कर देते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं rotation. Rotation, rotation में बेटे हम origin को move नहीं करवाएंगे, हम उसको किसी और point पे नहीं लेके जाएंगे, rather हम उसको रोटेट करवा देंगे इट मींस कि हम उसको किसी भी एंगल से ठीक है फॉर इंस्टेंस कि ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो अब ओरिजिन सेम रहेगा ओरिजिन विल रिमेन 0 0 इट विल बी डिनोटेड बाय ओ लेकिन अब जब रोटेशन हुई है फॉर इंस्टेंस कि ये रोटेशन For instance कि आप इस x-axis को rotate करवाते हैं about 30 degrees. इस x-axis को मैंने rotate करवा लिया है about 30 degrees. अब ये जो x-axis rotate हुआ है, ये x-axis इधर चला गया, ये नया x-axis बन गया, इसको मैंने name कर दिया capital X. ठीक है capital X. अब y भी of course कि move कर जाएगा. ये y एक्सिस भी मूव कर जाएगा y एक्सिस भी मूव कर जाएगा और जो नया एक्सिस बनेगा उसको हम कैपिटल y का नाम देंगे ठीक है जितने एंगल ये अगर ये 30 डिग्री मूव करेगा तो ये भी 30 डिग्री मूव करा होगा तो ये जितना भी एंगल ये मूव करेगा इसको हम नाम देते हैं एंगल को थीटा का फॉर इंस्टेंस कि हमने 30 डिग्री मूव करवाया था तो नाउ थीटा इज 30 30 डिग्री ये मूव किया तो y भी इसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री ही मूव करेगा ठीक है अब भी वही सिचुएशन है कि अब फॉर इंस्टेंस कि अगर आप पॉइंट p ये लेते हैं ओरिजिन सेम रहेगा इसमें ओरिजिन शिफ्ट नहीं हो रहा इसमें o बार नहीं आ रहा ओरिजिन इस एक्सिस का स्मॉल x y एक्सिस का भी वही है कैपिटल x y एक्सिस का भी वही है अब हम कोई पॉइंट p लेते हैं तो ऑफ कोर्स कि वो पॉइंट पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से होगा और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से होगा तो ये थी रोटेशन ऑफ एक्सिस इसमें हम एक्सिस को यही मूव नहीं करवा रहे बल्कि हम इसको रोटेट करवा रहे हैं ठीक है और नया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं अब हम देखते हैं जरा कि इसमें हम कैसे पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं तो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन ये दो आइडेंटिटीज हैं थीटा हमें गिवन है गिवन होगा कि हम कितने डिग्री एक्सिस को मूव करवाना है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हम कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे
The xy, small xy coordinate, x is rotated about the origin through the indicated angle. Angle given here of angle about x is rotated by. The new x is capital OX and capital OY. Find the capital xy coordinate of the point P with the given xy coordinates. Small xy coordinates given here, capital xy coordinates find. Point 15, 10, theta. Arc 10 means 10 inverse. Arc 10 means 10 inverse of 1 by 3. Arc 10, 1 by 3 means 10 inverse of 1 by 3. 10 inverse of 1 by 3. अच्छा अभी हमें यहाँ से basically जो हमारे पास question में values use होनी है वो sin theta और cos theta की given है. हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें small x में small y में और हमें capital x और capital y मालूम करना है. Theta की तरफ आ जाते हैं. Theta is equal to 10 inverse of 1 by 3. What does it mean? It means that 10 theta is equal to 1 by 3 theta. अब tan theta given है लेकिन हमें tan theta नहीं चाहिए, हमें sin theta या cos theta चाहिए. तो हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों तरफ स्केल ले लेते हैं. जब हम स्केल लेंगे it will become tan square theta is equal to 1 by 9. tan square theta से भी हमारा काम नहीं चलेगा. We can write tan square theta as secant square theta minus 1. secant square theta minus 1 is equal to 1 by 9. secant square theta is equal to 1 plus 1 by 9. secant square theta is equal to 10 by 9. अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. secant theta क्या बन जाएगा, अंडर रूट 10 by 3. ये बेसिकली स्क्वायर हमने किस लिए लिया था, स्क्वायर इसलिए लिया था ताकि 10 को हम कन्वर्ट कर सकें secant में, और secant से हम किसकी तरफ जा सकते हैं, sin या cos की तरफ. तो secant को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by cos theta is equal to अंडर रूट 10 by 3. we'll further write it as cos theta is equal to 3 by अंडर रूट 10. अच्छा अब cos theta आ गया. अब हमें जो अगली वैल्यू चाहिए वो sin theta भी चाहिए. तो sin theta को हम कैसे लिख सकते हैं, sin theta is equal to under root 1 minus cos square theta is equal to under root 1 minus cos square 9 by 10 is equal to 10 minus 9 by 10 is equal to under root 1 by 10. Under root 1 by 10. cos theta की वैल्यू क्या आ गई है, 3 by under root 10 cos theta, 3 by under root 10 और sin theta 1 by under root 10. under root 1 जो होता है वो 1 के इक्वल है और under root 10. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज है sin theta और cos theta की आ गई है. अब हम देख लेते हैं जरा कि हमने फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है. फॉर्मूलाज जो हमारे पास गिवन है वो थे capital X is equal to X cos theta plus Y sin theta or capital Y is equal to minus X sin theta plus Y cos theta. Okay. minus X sin theta plus Y cos theta. अब हम values को put कर लेते हैं. क्या है, capital X is equal to small x 15 cos theta की value है 3 by under root plus y, y is 10, sin theta 1 by under root 10, y की value क्या है, minus x, minus 15 sin theta 1 by under root 10, plus y, 10, cos theta की value क्या है, 3 by under root 10, x will become under root 10 जो है वो दोनों के, पहले हम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15, 3 by 45, under root 10 plus 30 divided by under root 10. X is equal to under root 10. 45 plus 10. Y is equal to under root 10 minus 15 plus 30. X is equal to 55 by under root 10. Y is equal to 15 by under root 10. So the point P with the new coordinate system is 55 by under root 10 and 15 by under root 10. 55 by under root 10 and 15 by under root 10. The next question is,
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो हमें न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और जो हमें फाइंड करना है वो हमें ओल्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करना है. पॉइंट क्या है? P is minus 5 and 3 and theta is equal to 30 degrees. में theta direct given है कि theta 30 degree है. अच्छा, पॉइंट जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, it means x is equal to minus 5 and y is equal to 3, और theta की वैल्यू जो है वो 30 degree है. तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि sin 30 degree किसके इक्वल होता है? cos 30 degree. cos 30 degree की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाय 2, और sin 30 degree, sin 30 degree की वैल्यू होती है 1 बाय 2. अब हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं दोबारा से. फॉर्मूला वही है जो कि हमने लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए थे. कैपिटल x इज इक्वल टू x cos theta plus y sin theta, और कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस x sin theta. कैपिटल x इज माइनस y इज इक्वल टू x एज इट इज cos theta. cos theta, cos theta डिग्री या cos theta ये सेम चीज है. अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस y स्मॉल y एज इट इज sin 30 डिग्री 1 बाय 2, और कैपिटल y. कैपिटल y की वैल्यू क्या है? 3 माइनस x sin 30 डिग्री 1 बाय 2 प्लस y cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाय 2 माइनस 5 is equal to under root 3x plus y divided by 2. LCM में ये 3 is equal to minus x plus under root 3y divided by 2. 2 को दूसरी साइड पे लाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बनेगा minus 10 is equal to under root 3x plus y. 3 to 6 is equal to minus x plus under root 3y. ठीक है, अब इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय अंडर रूट 3. वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय अंडर रूट 3, सो व्हाट विल इट बिकम? 6 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज बिकम 3y. इसको हम नाम दे देते हैं 3 का. ये इक्वेशन 3 कैसे आई है? हमने इक्वेशन 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया. नाउ by adding equation 1 and 3. क्या बन जाएगा? minus 10 plus 6 under root 3 is equal to under root 3x minus under root 3x cancel out हो जाएंगे, plus y plus 3y 4y will become 4y. 4y is equal to minus 10 plus 6 under root 3. y is equal to minus 10 under root 3 divided by 4. 2 को common निकाल लेते हैं, पीछे क्या बचेगा? minus 5 plus 3 under root 3 divided by 4. 2 के साथ cancel, y is equal to minus 5 minus 5 plus 3 under root 3 divided by 2. y की value क्या है? ये minus 5 plus 3 under root 3 divided by 2. अब हमें x की value find करनी है. x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? हम किसी इक्वेशन में इनमें से 1 2 3 में से हम किसी इक्वेशन में भी वैल्यू डाल के हम इसको फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. इक्वेशन क्या है यहां पे? 6 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 3y. y की जगह पर मैं पुट कर देती हूं y की जगह पर minus 5 plus 3 under root 3 divided by 2. y की वैल्यू आ गई हमारे पास minus 5 plus 3 under root 3 divided by 2. हम 1 2 3 में किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज को डाल सकते हैं. 6 under root 3 is equal to 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, minus 2 under root 3x plus minus 15 plus 9 under root 3 divided by 2. 2 को इधर ले, 12 under root 3 is equal to minus 2 under root 3x minus 15 plus 9 under root 3.
अच्छा अंडर रूट थ्री दोनों तरफ से अंडर रूट थ्री कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन प्लस, सॉरी यहाँ से नहीं कर रहा। अब हम यूं कर लेते हैं, ट्वेल्व अंडर रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स, अंडर रूट थ्री एक्स को इधर लेने रहने देते हैं, बाकी लिमिट्स को बदल जाते हैं। ट्वेल्व अंडर रूट थ्री माइनस नाइन अंडर रूट थ्री और प्लस फिफ्टीन माइनस टू अंडर रूट थ्री एक्स, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री अंडर रूट थ्री प्लस फिफ्टीन इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट थ्री एक्स, एक्स को एक साइड पे रहने दे बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाए। ऊपर से अंडर रूट थ्री को कॉमन निकालने का क्या तरीका है? अंडर रूट थ्री को कॉमन निकालने के लिए एक्स को हम लिख सकते हैं थ्री अंडर रूट थ्री प्लस फिफ्टीन को रख सकते हैं फाइव अंडर रूट थ्री का अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब अंडर रूट थ्री को कॉमन लेंगे थ्री प्लस फाइव अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय माइनस टू अंडर रूट थ्री ये कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय माइनस फाइव अंडर रूट थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। यह हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई जो पॉइंट P था, it will become minus 3, minus 5 under root 3 divided by 2, minus 5 plus 3 under root 3 divided by 2. इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।